हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम लोग बिल्कुल फाइन एंड फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं, एक नया रेस्टोरेंट हैदराबाद में खुला है, पता नहीं रेस्टोरेंट है ढाबा है क्या है, वहां जाने के लिए अम्मी मैं और नेमल जा रहे हैं। अभी जाके आपको वहां का दिखाते हैं एटमॉस्फेयर वगैरह, एम्बियंस कैसा है। जब तक आप लोग जाए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें यार। कंगना के जुड़ी आ नहीं रहे हाथ पे, जबरदस्ती पहनना है। ये देखिए, नहीं आया, इतनी मुश्किल से है। ये झूठी औरत है, ये झूठी औरत है। सर ने भी अपना आउटफिट दिखाया, सोने आ जाए अम्मी के पास आए। आ जाओ। नहीं मैं भी माशाल्लाह बहुत, आपने बाल खराब कर लिए, प्यारी लग रही है। और अम्मी ने आज फिर मेरा पहना है, आज फिर अम्मी ने पहना है मेरा सूट है ना। अब मैं पहनती कुकु के जोड़े हूँ, मेरे जोड़े अगर किसी को चाहिए तो वो इनबॉक्स कर दे, कमेंट कर दे, मगर पैसों में। तो आप अपनी क्लोजेट दिखाएं ना सबको, फिर ही तो लोग लेंगे। हाँ मैं दिखा दूंगी वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और गाइस अब हो गई हूँ मैं पतली, पहले मैं थी मोटी, तो इसलिए ये बात हो गई। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, मैं भी तैयार हो गई। अम्मी बाल बांधे, चुड़ैल के अलावा कुछ भी नहीं लग रही है, जाके बाल बांधे। अगर ये बताए मैं थोड़ा सा मर्द होती, आप वैसे भी मर्द हैं, बिना मूछ दाढ़ी के भी आप मर्द ही हैं। तो मैं बड़ी बड़ी मूछें ऐसे करके लगाती। चले गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे बाहर जाके। अम्मी फ्री हो गई है, एक तो घर से बाद में निकलते पहले अम्मी का शोर शुरू हो जाता है, ये करो वो करो। क्या कर रही है, दिखाए मुंह, नहीं आ रहा पानी, बस बस आता रहेगा। अब आ गया, फीडर में पानी भर लिया है। बच्चों का घर हो तो ये काम तो जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने दिए रौनक। सो अब हम लोग निकल गए, अम्मी का मुंह हमेशा ऐसा बना रहता है, कैमरे में हंसती है। अब हम लोग निकल गए, मोटी भी साथ जा रही है। मोटी कौन है गाइस, मोटी है ये, मोटी है, मोटी साथ जा रही है। और अब हम जाके फिर आपसे मिलते हैं अम्मी। और आज अब आप लोगों को अम्मी कुछ बताएंगी भी, होटल में ही बताएंगी इंशाल्लाह। फिर हाँ, होटल नहीं जा रहे हैं। अच्छा तो फिर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं काम से। अम्मी यार क्यों झूठ बोल रही, हज के महीने में आपका दीन ईमान झूठ हो गया है, जमाना ऐसा हो गया है, जमाने के साथ चलना है। ये बात तो है। चले गाइस, मैं वहां जाके फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं इधर, फैमिली हट नाम है, अच्छा नहीं, ओके, इसका नाम है चाय पे चर्चा। यहाँ हम लोग आए अम्मी की पुरजोर फरमाइश पे, और हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग भी गए थे, तो उन्होंने भी बोला था अच्छा है। अब चाय खड़ी हो उधर, आई है ना लेकर चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा क्या, चाय पे चर्चा? गाइस अम्मी और मैं भी बहुत जल्दी चाय का होटल खोलने वाले हैं। इधर थोड़ा सा अम्मी लाइट आ रही है ना। चाय बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी। काउंटर पे कौन बैठेगा? और काउंटर पे बिठाएंगे मैं हाँ, कुकु बैठेंगी काउंटर पे। चाय देकर कौन आएगा? नेमल देके आएंगी और चाय का पूछने ही आएंगी। हाँ इंशाल्लाह ताला। नहीं वैसे मेरा इरादा है चाय का होटल खोलने का, अगर कोई साथ चाहता है तो मेरे साथ बिल्कुल वेलकम। हाँ बिल्कुल वेलकम, मेरा बिल्कुल चाय का इरादा है। मैं बहुत जल्द काम करने वाली हूँ, क्योंकि ना अब एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलते, पूरा घर काम पे लग जाए, शर्म नहीं करनी चाहिए बस। हाँ किसी से मांगने में और या चोरी चकारी में इसमें शर्म आती है, बाकी अपना काम करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग चाय का ऑर्डर करते हैं, फिर हम आप सब साथ होंगे, आप हमारी चाय पीजिएगा और दुआएं दीजिएगा इंशाल्लाह। प्लान है, चले अब चलते हैं अंदर। अब लाए बेटे, नहीं भी आ जाओ। इस तरीके का एम्बियंस है, तो यहाँ कुछ ऐसा माहौल है। अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, अभी पहले हम बैठे हैं, एडजस्ट हो जाएं, फिर आपको दिखाती हूँ गाइस। और हम लोग चाय पे खर्चा, क्या यही चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा उस पर आगे बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अरसे बाद चारपाई पे बैठे हैं, वरना हम तो हमेशा ही बेड पे बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोफे भी बैठते हैं, बहुत मजा आ रहा है। नहीं सोफा है, बेड है, चारपाइयां तो खत्म हो चुकी थी। हाँ ये वाइब अच्छी है। एक बेचारी हमारी जाने वाली थी, चारपाई मांग मांग के गुजर गई। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। अच्छा जान के बाद मिलते हैं। नेमी खेल रही है, खुश हो रही है, माशाल्लाह बोलिएगा नेमी के बालों को देखकर।
इनको मैंने लिटाया था चेयर पे कि चेयर पे लेट जाएंगे, मगर इन्होंने अपने लेग्स जो है वो बाहर निकाल लिए, बिल्कुल नीचे हो गई। और हम लोग पहले बैठे थे चरपाई पे, फिर चरपाई के फिर लोग बहुत थे, व्लॉग बनाने में दुश्वारी हो रही थी क्योंकि हैदराबाद में अभी लोग पता नहीं व्लॉग को क्या समझते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी की दिल आजारी हो, बिल्कुल मैं ये नहीं चाहती हूँ, सब खुश खुश रहे, तो इसलिए फिर हम लोग की छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी चेयर पे आ गए। दिखाती हूँ चेयर की, ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है, ये मजा अच्छा लग रहा है। वाइब बहुत अच्छी है गाइस, आप लोग भी आए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं कहती हूँ जो आदमी न्यू रोजगार खोल रहा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, मेरी ये दुआ होती है। तो आप लोग भी जरूर आए और अपने अपने पैसे लेके आए, अपना अपना खाए, ठीक है ना। तो ये इनका मेन्यू है, अभी इनके मेन्यू में कुछ भी ज्यादा इतना नहीं है, बहुत कम चीज है, देखें बहुत कम चीज है। तो अब हम लोग अपने लिए पिज्जा पराठा मंगवा रहे हैं, चाय पे चर्चा स्पेशल पिज्जा पराठा और सादा पराठा और चाय, बस अम्मी हम दो तो हैं और कोई देसी है। हाँ, बर्गर वगैरह तो हम लोग इतना खाते नहीं, और फ्राइज एक मंगवा लेंगे बस, सही है। अब अम्मी जो है वो मोमल को दूध पिला रही है, फीडर आपको पता है हम लोग लेकर आए थे, और ऐसे ही बस बैठे हुए। सर्विस इनकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी बस अम्मी अभी इतनी बुराई नहीं कर रहे, अभी इतनी तारीफी थी अब इतनी बुराई कर रही है। असल में इन लोगों ने स्टार्ट किया है अभी, असल में सिर्फ मैंने 4 मैंगो खाए थे, अच्छा सिर्फ 4 मैंगो खाए थे, तो मुझे तो कभी खा ली, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत लग रही है, जैसे ही खाना आएगा जंगली बन जाएंगे। वैसे भी इनके मेन्यू में बहुत कम चीजें हैं, अभी बहुत कम चीजें हैं, 1 जुलाई से इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। अम्मी जो है वो बर्गर वगैरह इतना खाती नहीं है, तो हमने पराठे ही मंगवाए, सादा रोटी शोरबा। अब खाना आता है तो फिर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा खाना था इनका। ऑर्डर भी आ गया है, वो क्या कह रहे हैं सुनो। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस में अम्मी को गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ देखिए, हम आए थे ब्लॉग बनाने, हम ये चाहते हैं हैदराबाद में कुछ भी हो प्रमोट, अल्लाह ताला जिसने रोजी खोली उनकी रोजी चले, क्योंकि हमारे कारोबार बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारा ये बहुत ज्यादा उसके बाद ऑर्डर आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अम्मी को भूख बहुत है, खाने लग गई अम्मी, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, लेकिन सब अल्लाह का शुक्र सही हो गया। अब खाते हैं, आप लोग आए और इसको प्रमोट करें, आगे लेकर जाएं, आगे लेके जाएं ताकि चले ये रोजगार इनका लगे, दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह बहुत अच्छा है, सारे खाने अच्छे मजेदार है, गरम गरम है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। अम्मी को इतनी भूख लग रही है, अल्लाह तौबा, हवेस हो गई है, हवेस इतना खा रही है कि बस अब थोड़ी अच्छा कुछ खाने को मिल गया ना, मूड भी सही हो गया, वरना अम्मी को इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला भाई बीपी आई था तो घर में रह जाती, क्यों नहीं खा के कुछ बताएंगी, रुक जाए। गाइस अम्मी को एक शेर याद आया, सुना है अम्मी, इरशाद इरशाद है, शादी भाई नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो। अच्छा इरशाद है, हम जिंदगी की तलखियों में भरे लोग, अगर चाय नहीं पीएंगे तो मर ही जाएंगे। आजे भाई आजे। तो गाइस हम लोग आए थे चाय पे चर्चा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉलेज है, 2 नंबर में माय न्यू बेकरी के करीब है ये, ऑटोबान रोड पे, बहुत मजा आया। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गई, जो ओनर थे उन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, तो हमें बहुत मजा आया, खाना बहुत टेस्टी था। अभी इनसे कम आइटम्स इन्होंने लेकर आए लॉन्च किए, बस सारी बात ये हुई कि ईद आ गई थी, ईद की वजह से ना इनको सामान नहीं मिल सका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1 जुलाई से सब कुछ यहाँ मौजूद होगा, और आप लोग जरूर आए, बहुत अच्छा था। मैं अपनी पिक्चर्स इसमें ऐड करूंगी जो मैंने लिए, बहुत मजा आया, सब कुछ खाना पीना अच्छा था, चाय का तो जवाब चाय बहुत टेस्टी थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। हाँ, और हैप्पी बर्थडे शोएब इब्राहिम, आज अम्मी के वो फेवरेट है, बहुत। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और जरूर आइए चाय पे चर्चा। ओके गाइस, जरूर आइएगा चाय पे चर्चे पे, जरूर आइएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।